रीछगढ़ के नाम से जाना जाता है। कल आप लोगों ने महादेव टेम्पल देखा था जी। हमारे यहाँ अधिकांश जो केव हैं वो आपको ऐसी ही देखने को मिलेंगी जो नेचुरल बनी हुई है। सिर्फ 5 गुफाएं जो बनी हुई हैं, जो पांडव गुफा आप लोगों ने देखा होगा, उन गुफाओं को मढ़ी कहा जाता है। बाकी सारी गुफाओं को केव या केव ही मढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इनको सिर्फ गुफा बोलेंगे या केव बोलेंगे। नॉर्मली ये जो जगह हम देख रहे हैं ये पानी के कटाव से बनी हुई नेचुरल टनल है, जिसे गुफा का नाम दिया हमने और अंग्रेजी में आकर किसे नाम दिया केव का। आदिवासियों के हिसाब से इस गुफा को नाम दिया गया है रीछगढ़ का। घने जंगल के बीचों बीच की जगह है तो अधिकांश इसको जानवरों ने यूज किया होगा रहने के लिए, पहले इंसानों ने भी यूज किया, लेकिन इस एरिए को जब खाली मिला तो जानवर देखेगा यहाँ पर अधिकांश भालू, जिसे रीछ कहा जाता है। लेकिन जो रीछ शब्द है वो किसी दूसरे शब्द से भी आया हुआ है। ये सामने ये दोनों हिल आप देखेंगे खड़े होकर के, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जुड़े हुए हैं, जिसे कहा जाता है रिज या रेज, RIDG। तो जो रिज शब्द था, अंग्रेजी का ज्ञान तो था नहीं, तो डायरेक्टली जो प्रोनाउंस हुआ वो हिंदी नाम में हो गया, तो इसे नाम मिल गया रीछगढ़ का। गढ़ में आप देखेंगे कोई किला या फोर्ट नहीं है, तो प्रॉपर किसी एक चीज के रहने के कारण उसको उसका गढ़ कहा जाता है। तो दो शब्द मिलकर के इस जगह को नाम मिल गया रीछगढ़ का। अशोका मूवी, तरकीब मूवी, चक्रव्यूह और धाकड़, ये 4 मूवी की शूटिंग यहाँ हो चुकी है, जिसके कारण ये जगह काफी फेमस हुई। अभी बारिश का समय चल रहा है तो ये आपको अंदर से उतना ज्यादा ठंडा नहीं मिलेगा, लेकिन गर्मी के समय पर जब आते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल ठंडक फील होती है, तो इसे नेचुरल AC भी कहा जाता है। फोटोग्राफी के लिए नीचे जो पत्थर पड़े हुए हैं सिर्फ वहां तक जाना होता है। इस गुफा से अगर पीछे आप निकलेंगे तो पीछे जंगल लगा हुआ है, तो आपको बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ नीचे तक जाना है पत्थरों तक। वहां से जब रिटर्न आएंगे तो रिटर्न आने के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं, एक हमारा यही है और दूसरा लेफ्ट में छोटा सा टनल देखने को मिलेगा, मात्र 15 फीट लंबा है। गुफा से अंदर जाते समय 3 से 4 कदम हेड डाउन करके जाना ताकि मैं चोट ना लगे। इसी गुफा से जब पीछे बाहर निकलेंगे तो इको पॉइंट बना हुआ था, आवाज लगाने पर रिटर्न आती थी, लेकिन टाइगर रिजर्व का एरिया पूरा का पूरा साइलेंट जोन कर दिया, तो अब शोर करने पर बिल्कुल प्रतिबंध लग गया है। तो सामने के व्यू का फोटो ले सकते हैं। वहीं से लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे तो 3 से 4 कदम आगे बढ़ने के बाद में एक पेड़ का नेचुरल फोटो फ्रेम बना हुआ है, बढ़िया वहां फोटोग्राफी करिए। फोटोग्राफी करने के बाद उसी रास्ते से आएंगे तो गुफा के सामने पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता बना हुआ नहीं है, बारिश का समय चल रहा है, पूरा का पूरा एरिया हमारा सेडिमेंट है, शूज भी गीले हो जाते हैं, रेत चिपक जाती है।